अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ओपन करते हैं, कल हमने लेक्चर कहाँ तक लिया था। हमने कल ये वाला लेक्चर लिया था, तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आता हूँ इसके अंदर और इसको आगे करता हूँ जी। ये फर्स्ट वाले को कॉपी कर लेते हैं इसी के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों ने काम करना है। कल हमने यूज़ किया था हेडर वन, तो आज मैं क्या करता हूँ इसी को यहाँ से लेके कॉपी करता हूँ, हेडर वन को पेस्ट करता हूँ हेडर टू के लिए, थ्री के, फोर के, फाइव के, सिक्स के, सेवन के, एट के। और यहाँ पे करते हैं जी रिफ्रेश। ये देखिए हमारे पास कितने हेडर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैंने इसको हेडर टू बोलना है, तो यहाँ भी आएंगे डेफिनेटली, इसको भी हेडर टू बोलेंगे। क्लोज किया, स्टार्ट किया, रिफ्रेश किया, ये देखें ये साइज में थोड़ा सा कम आ चुका है, छोटा हो चुका है साइज में, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये सेंटर की तरफ मूव हो, तो ये सेंटर की तरफ भी मूव करवा सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ सी रेड, यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लिया। यहाँ पे आते हैं, इसको थ्री बोलते हैं, HTML एच हेडर थ्री, ये भी हेडर थ्री है जी। सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये देखें ये हेडर थ्री उससे थोड़ा सा कम हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, हेडर फोर है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ जगह पे हमें हेडर्स यूज करने पड़ते हैं, तो सिंपल ये हेडर फोर आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे, अच्छा ये आप ये ना समझना कि ये फाइव सिक्स सेवन कम से कम होते जाएंगे, ये इनकी एक लिमिट है फ्रेंड्स, उस लिमिट से आगे ये मूव नहीं करते। ये देखें ये फाइव तक आ गया। फिर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हेडर सिक्स बोलता हूँ, फिर इसको भी हेडर सिक्स बोलता हूँ, और यहाँ पे आके करता हूँ जी रिफ्रेश। ये देखें ये कम हो गया, लेकिन ये जो अब हेडर सेवन है ना, ये कहीं भी वर्क नहीं करता, ना तो हेडर सेवन वर्क करेगा। देखें जी मैंने हेडर सेवन लगाया, ये हेडर एट लगाते हैं, चले अभी सेवन लगाते हैं। ये देखें ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे रिलेटिव जो हमने ये वाला यूज़ किया था टॉप पे, अगर ये हेडर एट है तो एट भी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये मकसद नहीं है कि हेडर एट वर्क करेगा, हेडर एट भी वर्क नहीं करेगा। ये देखें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेडर है ना, एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, फाइव, सिक्स तक वर्क करते हैं, इसके बाद ये वर्क नहीं करते। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ ये मूव, ठीक है। अच्छा इसको अब ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरे पास कहाँ पे है जी, बिल्कुल साइड पे है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में मूव हो, तो क्या करना पड़ेगा, ये हेडर वन के अंदर आता हूँ, एक एलिजन लगाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि ये कंटेंट नहीं सेंटर की तरफ मूव हो जाए, ठीक है। इधर आए, रिफ्रेश किया, ये देखें ये सेंटर में जा चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको भी मैं एलिजन बोलता हूँ कि सेंटर में जाए, तो क्या होगा जी, ये भी सेंटर में जा चुके हैं। इस तरह यहाँ पे आते हैं हम, इसको एक एलिजन देते हैं, और इसको भी मैं बोलता हूँ ये भी सेंटर में, क्या मसला ना। अच्छा जी टू, अच्छा जी इसको हमने सेंटर में बोला ही नहीं, ये भी सेंटर में जाएगा, ठीक है। इस तरह सबको सेंटर में लेके चले जाते हैं, और सेंटर में ले जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कलर भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सेंटर है और ये कलर हो, ये सेंटर में जा चुके। तो इस तरह हम हेडर को यूज़ करके सारे पैराग्राफ को यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेंटर में। अगर मैं चाहता हूँ कि गिरदे कलर भी लग जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक फॉन्ट है फो एंटी फॉन्ट का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे फॉन्ट का टैग क्लोज करूंगा। लेकिन यहाँ पे आके मैंने इसके अंदर आना है, और इसको आके मैंने बोलना है कलर, कलर इसके अंदर मेंशन करो, कौन सा कलर मेंशन करें। मैं कहता हूँ रेड लगाए, रिफ्रेश किया, ये देखें इसका कलर हो चुका है जी रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ जी वन, यहाँ पे आते हैं और हम इसको बोलते हैं जी टू, फिर इस तरह इस ये थ्री, सॉरी यहाँ पे आए फोर लगाया, फिर यहाँ पे आए फाइव लगाया। ये जी हमें हेडर का पता होना चाहिए कौन कौन से हेडर है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सिक्स लगाते हैं और करते हैं सेव। इस तरह ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 है। तो हेडर वन में भी हमने कलर किया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कलर हो, तो मैं एक फोन का टैग लगाऊंगा इसमें भी, क्लोज करूँगा यहाँ पे आके इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है। और मैंने इधर आके इसको क्या करना है जी, मैंने कहना है जी कलर, ठीक है। कलर इसमें भी मैंने इंटर करना, और कलर मैंने इसके अंदर करना क्या, मैं कहता हूँ जी येलो कलर हो जाए। अब जैसे येलो कलर बोलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसका कलर भी ये देखें येलो हो चुका है, ठीक
ठीक है, इस तरह हम कलर्स सबके चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ पसंद दोनों आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कोई कन्फ्यूजिंग आएगी हो तो मुझे कमेंट और मैसेज लाजमी करें। तो मेरे चैनल तो कर मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर के साथ। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।